हेलो दोस्तों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए IPL से संबंधित, IPL 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। IPL 2021 का 14वां संस्करण किस देश में खेला गया? तो दोस्तों, इसका जवाब है भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि कोविड के कारण भारत में 29 मैच खेला गया था, जो 29 मैच खेला गया था, जो 9 अप्रैल 2 मई तक खेला गया था, 9 अप्रैल से 2 मई तक खेला गया था। और उसके बाद 31 मैच जो है संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया, 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच। ऐसा दोस्तों कोविड-19 के कारण हुआ था। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। IPL 2021 की खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों, इसका जवाब है चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने KKR को 27 रनों से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इस बार चेन्नई सुपर किंग्स इस तरह IPL में 4 बार यह खिताब जीत चुकी, और यह खिताब जीती है 4 बार, 2010, 2011, 2018 और 2021 में। सबसे अधिक बार IPL का खिताब जीतने वाली टीम है मुंबई इंडियंस, जिन्होंने 5 बार कुल जीता है, और यह जीती है मुंबई इंडियंस ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में। 2 बार KKR ने इस खिताब को जीता है, 2012 और 2014 में। ठीक है दोस्तों, पहला IPL टूर्नामेंट 2021 का खिताब जो है राजस्थान रॉयल्स ने जीता था चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर। आइए चर्चा करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। IPL 2021 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो IPL 2021 का फाइनल मैच 15 अक्टूबर 2021 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, IPL 2021 में विजेता टीम को कितनी धनराशि मिली थी? तो विजेता टीम को यानी चेन्नई सुपर किंग्स को 20 करोड़ रुपये, और उप विजेता टीम यानी रनर अप को 12.5 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। IPL 2021 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? तो मैन ऑफ द मैच जो है फॉग डुप्लेसिस को मिला था, जिन्होंने 86 रन बनाए थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, IPL 2021 में ऑरेंज कैप का खिताब किसे दिया गया? तो CSK के ऋतुराज गायकवाड़ को जो है ऑरेंज कैप प्रदान किया गया था, जिन्होंने 16 मैच में 635 रन बनाए थे। ऑरेंज कैप दोस्तों उसे दी जाती है जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाए हों। IPL 2021 में पर्पल कैप का खिताब किसे दिया गया? तो दोस्तों, पर्पल कैप का खिताब उसे दिया जाता है जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लिए थे। तो ऐसा कारनामा आरसीबी के हर्षल पटेल ने 15 मैच में 32 विकेट लेकर किया था। IPL 2021 में एक मैच में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाया? तो IPL 2021 में सर्वाधिक रन जो है राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर ने बनाया, जिन्होंने 124 रन बनाया था। सबसे अधिक छक्के KL राहुल ने लगाया, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 30 छक्के लगाए थे। आंद्रे रसेल KKR के ऐसे बॉलर थे जिन्होंने 2 ओवर में 15 रन देकर 5 विकेट लिए थे IPL 2021 में। हर्षल पटेल RCB के थे, जिन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट लिए थे। अर्शदीप सिंह जिन्होंने पंजाब किंग्स इलेवन के टीम के सदस्य थे, जो 4 ओवर में 32 रन देकर 5 विकेट लिए थे। ये तीनों बॉलर IPL 2021 में 5-5 विकेट लेने वाले बॉलर बने थे। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस राजस्थान रॉयल्स टीम के सदस्य हैं, जिन्हें IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में अर्थात यानी 16 करोड़ 25 लाख रुपये में खरीदा गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है अगर देखा जाए तो वर्तमान चेयरमैन IPL के, अगर पूछे वर्तमान चेयरमैन कौन है IPL के, तो ब्रिजेश पटेल हैं। BCCI जो है IPL टूर्नामेंट का जिम्मा जो है BCCI लेती है, जो इस टूर्नामेंट को कराती है। तो वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, प्रथम BCCI के अध्यक्ष थे ग्रांट गोवन, और BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी, जिसका पूरा नाम है BCCI का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।